अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम ख़ान। एक सुनहरी दौर था जब पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से या ज़िला खैबर पे यहाँ पे सियाह आते थे, और ये जो खैबर सफारी ट्रेन के लिए जो ये 42 किलोमीटर तवील ये ट्रैक बिछाई गई है, इस पे जो खैबर सफारी ट्रेन था वो हर इतवार को यहाँ पे आता था। पाकिस्तानी जो सियाह थे, साथ में से पूरी दुनिया के जो सियाह थे, इस ट्रैक से पेशावर से लेकर तोरखाम बॉर्डर तक जाते थे। यहाँ पर चूँकि टूरिज़म स्पॉट्स है, साथ में से हम देखे तारीखी दर्रा खैबर और यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार के मौके भी थे। जब 2007 में यहाँ पे जब फिर जो तूफ़ानी बारिश हुई, सैलाब हुई, इसमें से ये जो रेलवे ट्रैक है, तारीखी रेलवे ट्रैक है, वो इसमें से जो बहुत से पुल थे वो पानी में बह गए थे, जिसके बाद ये रेलवे ट्रैक 2007 में, उसके बाद यहाँ पर चूँकि अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब थी, तो उस वक़्त के बाद ये जो तारीखी ट्रैक थी वो मुअत्तल की गई थी। जो खैबर सफारी ट्रेन था वो उसका सर्वे जो था वो मुअत्तल किया गया था। ये तारीखी लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो रेलवे ट्रैक है, हम अगर देखें तो यहाँ पे वीरानी का बिल्कुल मंजर पेश कर रहा है। ये 42 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक है जो पेशावर से लेकर फिर ज़िला खैबर से होते हुए जो ज़िला खैबर के संगलाख पहाड़ है उससे होते हुए तोरखाम बॉर्डर अफगानिस्तान तक जाती है। इसमें तकरीबन 1920 में ये 1920 से लेकर 1926 तक ये तारीखी ट्रैक बनाई गई थी। इसमें जो है तकरीबन जो ये खैबर दर्रा खैबर के जो तारीखी मकाम है, दर्रा खैबर है, उसके संगलाख पहाड़ों को में से तकरीबन 34 सुरंगें जो है वो कूदी गई थी और ये रेलवे ट्रैक बिछाई गई थी। इसमें तकरीबन 92 के करीब पुल भी है। लेकिन हम देखें सूबाई हुकूमत जो है वो टूरिज़म पे उनकी बहुत तवज्जो है, लेकिन हम ये देखें तो ये तारीखी जो रेलवे ट्रैक है वो वैसे की वैसे ही पड़ा है, एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ एक मकामी बाशिंदा मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो तारीखी ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, ये इंतहाई बदहाली टूट फूट का शिकार है जगह जगह पर, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले आपने नाम बताए। जी, मेरा नाम खानीजान अफरीदी है, मैं यहाँ जमरोद का रहने वाला हूँ। मैं खुद यहाँ जब बचा था, यहाँ कर जो सियाते थे और मुकामी जो थे या बाहर के मुल्कों से आते थे उसके साथ गुल मिल जाते थे, बैंड बाजे वाले भी थे यहाँ आते थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता था। यहाँ सियाह उतर कर तारीखी बाब खैबर के मुकाम पर जाकर वहाँ तारीखी असरात को देखते, तारीखी कला जो है खैबर फोर्ट उसका भी विज़िट करते, और वहाँ से फिर यहाँ आकर रेल गाड़ी में बैठकर इसी ट्रैक से लंडीकोतल तक जाते थे, जहाँ शागई के मुकाम पर रोककर फिर वहाँ के तारीखी मुकामात को देखते। तो ट्रैक है अब तकरीबन 2007 सैलाब के आने से मुअत्तल हुई है, और 2007 आपने बिल्कुल बात की, 2007 में जो सैलाबी बारिश हुई थी, तूफ़ानी बारिश हुई थी, उसके बाद चूंकि उस टाइम पे 2007 में अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं थी, तो उसके बाद ये सर्विस जो थे वो मुअत्तल कर दी गई थी। आप क्या समझते हैं ये रौनक वापस लाने के लिए, रौनक बहाल करने के लिए ये ट्रैक पे सूबाई हुकूमत को काम करना कितना ज़रूरी है? जी, ये इसको बहाल करना तो बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, क्योंकि ये इस ट्रैक के बहाली से रशिया तक जो ममालिक आते हैं, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये इन सब से हमारी तिजारत के नए राह खोलेंगे। अगर बात करें पेशावर से लेकर तोरखाम बॉर्डर तक, तो इस पे सैकड़ों मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। ये हुकूमत जो खजाना है उसको नुकसान भी पहुंच रहा है, इन रिटर्न इसके बदले में कोई ख़ास रेवेन्यू नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इस पर जो मुलाजमीन है इसके अब घरों में बैठे हुए हैं, ड्यूटी है नहीं जो कर सके, ये खजाने पर बोझ बन गए हैं। पेशावर जो सदर रेलवे स्टेशन है इससे लेकर लंडीकोतल तक सैकड़ों मुलाजमीन मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं, घर पर बैठकर, कोई
हर कोई कारोबार कर रहा है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाक फौज की कुर्बानियों से मुकम्मल अमन व अमान है दुरखाम से लेकर वागा तक। तो इस बॉर्डर इस रेलवे स्टेशन को फौरन सर्वे की जाए, इस रेलवे स्टेशन की, इस रेलवे ट्रैक की और इसकी बहाली के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाए। जी नाज़रीन, तो आपने यहाँ पे जो मकामी बाशिंदे थे उनकी बातें सुनी, उससे हमारी बात हो गई। यहाँ पे इस वक्त हम जिस स्टेशन पे मौजूद है, ये तारीख़ी जो बाब खैबर का दरवाज़ा है उसे तकरीबन कुछ लगभग 500-600 गज़ यानी हाफ किलोमीटर के फासले पर है जमरोद स्टेशन है। और जनूबी एशिया के इस अजूबे का जो बेशतर हिस्सा था वो 2007 की तूफ़ानी जो सैलाब और बारिश थी उनकी वजह से तबाह हो गई है। ताहम उसके बाद हुकूमत ने इसकी बहाली पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। जगह जगह पर यह तारीखी रेलवे ट्रैक बदहाली का और टूट फूट का शिकार है। हम देखें यहाँ पर कमरों को भी ताले लगाए गए हैं, यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, यहाँ पे ना कोई चौकीदार है, हर जगह जो है वो टूट फूट का शिकार है। हुकूमत को इसकी तामीर और साथ में से हुकूमत को इसकी बहाली और तामीर पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर हुकूमत सूबाई हुकूमत, चूँकि सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत टूरिज़म पे बहुत काम कर रही है, अगर हुकूमत इस तारीखी रेलवे ट्रैक पे काम करे, इसकी बहाली पे काम करे, इसकी तामीर पे काम करे, तो ये टूरिज़म को सपोर्ट करने के साथ साथ, प्रमोट करने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान और साथ में से जो वस्ती एशिया ममालिक है उसके साथ पाकिस्तान की तजारत जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। एहतशाम खान, न्यूज़ 360 खैबर।